खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां पर बच्चे जो कि खेल रहे थे और उन्हें मिलती है एक संदिग्ध वस्तु और अचानक से उसी संदिग्ध वस्तु में हो जाता है धमाका, जिसके बाद 7 बच्चे जो कि घायल हो जाते हैं और 3 बच्चों को मामूली चोट लगती है। सभी गंभीर रूप से घायल 7 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। SIT टीम गठित कर दी गई है, FSL टीम भी यहां पर लगातार जुटी हुई है और प्रयास कर रही है ये जानने का कि किस मकसद से यहां पर रखे गए थे ये संदिग्ध वस्तु। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के भागलपुर के खिलाफत नगर इलाके से एक दुखद घटना सामने आई है। यहां बच्चों के खेलने के दौरान एक संदिग्ध वस्तु में धमाका हो गया, जिससे 7 बच्चे घायल हो गए। SSP आनंद कुमार ने बताया कि इस धमाके में 3 से 4 बच्चों को मामूली चोटें आई है, जबकि 3 बच्चों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाके के बाद तुरंत फॉरेंसिक साइंस लैब यानी FSL की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने वहां से विस्फोटक सामग्री को इकट्ठा कर जांच शुरू कर दी है। यह किस तरह का बम था, यह FSL की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। इस घटना की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन किया गया है। पुलिस ने आश्वासन दिया कि जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भागलपुर के लोगों में इस घटना के बाद से डर का माहौल है। पुलिस ने सभी से संयम बरतने और अफवाहों से बचने की अपील की है। देखिए, ये खिलाफत नगर मोहल्ला है हबीबपुर थाने का और लगभग आधे पौन घंटा पहले यही बच्चे खेल रहे थे और उसी समय एक विस्फोट हुआ जिसमें कि कुल 7 बच्चे घायल हुए और 3-4 बच्चों को बहुत मामूली चोट है, लेकिन 3 बच्चे अभी अस्पताल में एडमिट हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और घटनास्थल का मुआयना बड़े वरीय पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है और इसमें FSL की टीम भी यहाँ पे अभी आई थी और उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से पूरे घटनास्थल का मुआयना किया है। कुछ जो मटेरियल एग्जिबिट था उसको वो लोग ले भी गए हैं लैब में जांच करने के लिए कि किस प्रकार का विस्फोटक था और उसके क्या क्या आयाम थे और जहाँ पे घटनास्थल है उसका भी हम लोगों ने मुआयना किया है। तो जो इम्पैक्ट है रोड पे, कोई गड्ढा या इस टाइप से नहीं है, बहुत वहाँ लग रहा है कि यहाँ कोई पटाखा या बम वहाँ पर फूटा हुआ है। तो किस प्रकार का बम था, कितना शक्तिशाली था, वो तो जो स्पेशल की टीम एग्जिबिट ले गई है उसके जांच से पता चलेगा और इस पूरे मामले की जांच के लिए सिटी SP साहब के नेतृत्व में एक SIT बनाई गई है। ये घटना किन परिस्थितियों में हुई और क्या क्या इसके कारण थे और अगर बम का इस्तेमाल हुआ है तो कहाँ से आया, किसने बनाया, किसने रखा, इन सभी बिंदुओं पर जांच के लिए और जो भी इसमें दोषी व्यक्ति हैं उनकी पहचान के लिए, गिरफ्तारी के लिए एक SIT बनाई गई है और SIT ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया है। जल्दी उसके बारे में भी जो भी SIT की फाइंडिंग रहेगी उसके बारे में भी आपको विस्तार में बता दें। कितने बच्चे ऐसा माना जा रहा है कि बच्चे खेल रहे थे उसके साथ जी, अभी जो बताया गया यहाँ पे लोगों के द्वारा कि किसी के घर से कुछ एक सामान ला के बच्चे खेल रहे थे उसमें विस्फोट हुआ। तो जैसा मैंने बताया कि FSL की टीम जो यहाँ से घटनास्थल से जो भी मटेरियल एग्जिबिट उनको लेके गए हैं उसकी जांच होगी तो उससे पता चलेगा कि क्या क्या था उसके अंदर। सर, बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है कोई राजा नाम का लड़का था जिसने बम दिया। मैंने बताया कि SIT जांच कर रही है पूरे मामले की, पूरे मामले की तह में जाएगी और अगर उसमें जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। क्या ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है, खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं News UNI। इस दुर्गा पूजा News UNI लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना एड, वो भी बिल्कुल फ्री। JioTV, PlayOn, eBaba, YouTube, Facebook, अब आप चला सकते हैं 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर।